पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत ने सरकारी सतह पर स्पोर्ट्स ऑफिस मर्दान के ज़ेर एहतमाम मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स मुकाबलों का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स एंड सियाहत मोहम्मद आतिफ खान थे। फाइट्स में 8 पेशेवर, 2 प्रोफेशनल फाइटर्स समेत 20 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। फाइट्स मुकाबलों में नेशनल और इंटरनेशनल फाइटर्स शरीक हुए। शेख साहब लाहौर से स्पेशली पख्तूनों के शहर मर्दान में यहाँ पर आए हैं, दुनिया के तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें। इस मौके पर फाइटर्स का कहना था कि सूबाई हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर पहली दफा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स के मुकाबलों का इनेकाद खुश आइंद है। बहुत खुशी हुई कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने MMA के इवेंट करवाए, इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने MMA की कोई इवेंट नहीं किए और इससे कॉम्बैट स्पोर्ट के में की शोर में इजाफा होगा। दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द यूथ। आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। मुकाबले के इख्तिताम पर फाइनल जीतने वाले फाइटर को 1,00,000 रुपये, रनर अप फाइटर को 50,000 रुपये, जबकि दीगर फाइटर्स को 30,000 और 20,000 रुपये नकद इनामात से भी नवाजा गया। फजल हक, कैपिटल TV, मर्दान।